Hi guys, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, my name is Kirti Agarwal and I post videos on fashion, beauty and lifestyle twice a week. So stay updated for that. और updated रहने के लिए आप इस channel को subscribe करके उसका bell icon जरूर दबा देना ताकि जब भी मेरा नया video है आपको पता चल जाएगा. So without further ado, we'll talk about the 10 must have things in any girl's wardrobe जो सब लड़कियों के पास literally होनी ही चाहिए during summers. And starting from the first thing जो कि मेरी favorite है और जो कि each and everyone is raving about a lot, and these are ribbed tees. और ribbed tees कितनी ज़्यादा important है अभी के time पे, ये तो मतलब मैं जितना stress करूँ ना उसको इतना ज़्यादा कम है ये. And these ribbed tees are such good comfortable quality ribbed tees. बहुत ज़रूरी है as I'm saying. आपको ज़ारा पे बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको H&M पे बहुत अच्छी मिल जाएगी, आपको कुछ Instagram stores पे मिल जाएगी, आपको Myntra पे मिल जाएगी, Ajio पे मिल जाएगी. This one's from Zara. Not only in these kind of tees, आपको ऐसे ribbed वाले tops अगर पसंद है तो you can definitely invest in these. ये मैंने किसी Instagram store से खरीदा था, I don't remember the name. आप मेरा previous Instagram store वाला video देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा for sure. These kind of ribbed tops, ribbed tees, ये सब मुझे literally बहुत ज़्यादा पसंद है और सच्ची में हर girl के wardrobe में ये होनी ही चाहिए क्योंकि बहुत important है, at the same time बहुत comfortable है और बहुत अच्छी भी लगती है. Moving on to the second thing, which is a skincare thing. And this is the face wash which I'm religiously using. मतलब ये बिल्कुल भी sponsored video नहीं है. First of all, ये face wash ने मेरे acne marks के ऊपर इतना ज़्यादा काम करा है, मेरे hyperpigmentation के ऊपर इतना ज़्यादा काम करा है within a time span of honestly not more than 1.5 or 2 months. मैं इसको religiously पिछले 2 महीने से 2 times a day use करती आई हूँ और इसके अंदर vitamin C के साथ ना turmeric भी है. तो turmeric के benefits तो मैंने इस मेरे एक video में बता रखा है इस face wash के बारे में. और मुझे ये face wash इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है. दिस इज माई सेकंड बॉटल और ये इतनी खत्म भी हो चुकी है. एंड दिस इज फॉर 399 rupees. सो डेफिनेटली गो फॉर एनी वाइटामिन सी फेस वॉश. नॉट ओनली दिस बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड वर्जन और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ डेज, एंड दिस इज द नेकलेस विच आई एम वेयरिंग. कोई भी नेकलेस किसी भी ब्रांड से, पर्सनली मुझे अर्जुना के और जूल्स गैलेक्सी के बहुत ज्यादा पसंद है और अमेजोन पे आसानी से मिल भी जाते हैं. सो दिस इज द नेकलेस विच आई एम वेयरिंग. और दीज काइंड ऑफ चेन्स ना मैंने मेरी एक वीडियो में भी बात कर रखी है, एक्सेसरीज वाली वीडियो के अंदर. ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले मैंने वो वीडियो अपलोड करा था, आप उसको देख सकते हैं. दीज काइंड ऑफ चेन्स, दीज आर ऑनेस्टली माई फेवरेट चेन्स. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और हर लड़की के वार्डरोब में होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपको कुछ लेयर्ड नेकलेस पहनने का मन नहीं है, अगर आपको कुछ और कुछ छोटा सा चेन पहनने का मन नहीं है, तो दीज काइंड ऑफ चेन्स ना दे लुक सो गुड, दे मेक यू लुक सो पुट टुगेदर. आपने कुछ एफर्ट नहीं डाला है, गर्मियों के सबसे बहुत कंफर्टेबल है, बहुत एरी है, मतलब बिल्कुल चुभती नहीं है. इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इस वाले ब्रांड की, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा. और ऑनेस्टली एक गुड नेक पीस आपके वार्डरोब में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, दिस इज ऑनेस्टली अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब. मूविंग ऑन टू अ गुड हेयर मास्क. हेयर मास्क का इंपॉर्टेंस ना गर्मी, सर्दी, मानसून सब में बहुत ज़्यादा है, बट स्पेशली ड्यूरिंग मानसून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और राजस्थान के अंदर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा है, सब तूफान टाइप्स आया हुआ है. पिछले 4 दिन से कोई लाइटिंग ही नहीं आ रही है, दिस इज नो सनलाइट ओनली. और मेरे बाल इतने एक्सेसिवली फ्रिजी हो चुके हैं. बट दिस इज द मास्क जो कि मैं 2-2.5 महीने से ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ. मैंने मेरी वीडियोज़ में भी बहुत बार बताया है इसके बारे में. दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड पिलग्रिम और ये आर्गन ऑयल हेयर मास्क है उनका. एंड दिस हेयर मास्क इज लिटरली डूइंग वंडर्स टू माई हेयर ऑनेस्टली. मतलब जितना मैं इसको स्ट्रेस करूँ ना उतना कम है. और ये मास्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मतलब बचा भी नहीं है. एज यू कैन सी कितना कम बचा है ये हेयर मास्क. मैंने इसको इतना अच्छे से यूज़ करा है, वेन एवर आई वॉश माई हेयर, समटाइम्स आई यूज़ इट वंस अ वीक, समटाइम्स आई यूज़ इट ट्वाइस अ वीक. इतना अच्छा हेयर मास्क मैंने सच में पहली बार यूज़ करा है मेरी लाइफ के अंदर. एंड आई एम लविंग दिस हेयर मास्क. इसके ऊपर आप ना मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, कीर्ति15. अभी एप्लीकेबल है या नहीं आप चेक कर लेना, पर हाँ महीने भर पहले तो ऑलमोस्ट वो एप्लीकेबल था. और बहुत अच्छा हेयर मास्क है ऑनेस्टली, बहुत अच्छा हेयर मास्क है. आपके पास एक अच्छा हेयर मास्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लड़की के पास. बिकॉज कंडीशनर और शैम्पू से ना समटाइम्स हमारे बाल बहुत ड्राई और डैमेज बन जाते हैं. गर्मियों के अंदर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग गर्मियों के अंदर ऑयलिंग करते हैं. सो फॉर समर्स ना स्पेशली अ हेयर मास्क इज अ मस्ट हैव. आई कैन नॉट स्टॉप स्ट्रेसिंग कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक रोल ऑन डिओड्रेंट. किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं ऑनेस्टली. दिस वन फ्रॉम निविया एंड दिस इज द पर्ल एंड ब्यूटी वन. इसमें एक व्हाइटनिंग वन भी आता है शायद, पर मुझे पर्सनली इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद है. एंड दिस रिटेल्स फॉर ओनली ₹199. कुछ ऑफर आपको किसी ना किसी वेबसाइट पर मिलता रहेगा. एंड दिस रोल ऑन मतलब नॉर्मल जो परफ्यूम्स होते हैं ना उनकी थोड़े
देर बाद ना फ्रेग्रेंस चली जाती है, लाइक कितना ही अच्छा परफ्यूम हो, कितना ही अच्छा डिओडोरेंट हो, कुछ देर बाद उनकी स्मेल जाने लगती है. बट वेन एवर यू यूज अ रोल ऑन तो वो डायरेक्टली आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है और वो बहुत अच्छे से सीप इन होता है आपके पोर्स के अंदर. इसलिए इसकी जो स्मेल है ना, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है. और गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, आपको अच्छा स्मेल करना कितना इंपॉर्टेंट है. मेरे तो सर्दियों के अंदर भी आई ऑलवेज हैव आर्मपिट स्वेटिंग ओनली, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे ये स्पेशली. कैन आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट कॉटन टॉप्स? कॉटन टॉप्स गर्मी हो सर्दी हो, आई ऑलवेज लव कॉटन ऑन माई बॉडी बिकॉज दिस इज लाइक द मोस्ट कंफर्टेबल काइंड ऑफ क्लॉथ जो आपकी बॉडी के लिए होता है. कैसे भी टॉप्स आप ले सकते हैं, लाइक स्पेशली आजकल ना ये पफ स्लीव्स वाले, स्वीट हार्ट नेकलाइन वाले, डीप नेकलाइन वाले टॉप्स वगैरह बहुत चल रहे हैं. एंड देन यू कैन गो फॉर टाई डाई एज वेल. टाई डाई भी बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है, ऑनेस्टली बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है. जितना स्ट्रेस करो उतना कम है. एंड देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिंट्स ऑल्सो. और अगर आप ऐसे प्रिंट और यू नो पफ स्लीव्स के वगैरह के फैन नहीं है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दिस काइंड ऑफ कॉटन टॉप्स. ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है और ज्यादा में ना आपको ऐसे रिब्ड वाला मटेरियल में मिल जाएंगे. लाइक मैंने तो ये आजियो से खरीदा, दिस वाज जस्ट फॉर 280 और 260 इफ आई रिमेम्बर. तो इस टॉप का मतलब आई कैन से इतना अच्छा क्वालिटी, इतना अच्छा कॉटन टॉप है. तो इसीलिए आई एम सेइंग कि कॉटन टॉप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर लड़की के वार्डरोब में सच में होने ही चाहिए. डोंट गो फॉर पॉलिएस्टर और ऐसा कपड़ा क्योंकि वो स्किन के ऊपर बहुत खराब रहता है, आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है वो. ड्यूरिंग दीज कोविड टाइम्स हमको वाइटामिन सी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट के अंदर लेना, ये तो मैं क्या मतलब हर एक डॉक्टर ऐसा कहता है, आई एम लाइक नो वन टू से दैट, बट स्टिल वाइटामिन सी का इंटेक बहुत जरूरी है. एंड नॉट ओनली फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, ऑफकोर्स आपकी पूरी बॉडी को नेचुरली ब्राइटन अप करने में, उसको ग्लोइंग बनाने में विटामिन सी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. एंड इट हैज ग्लूटाथायोन एज वेल. तो ग्लूटाथायोन जो है ना आपकी बॉडी का पिगमेंटेशन रिमूव करने में हेल्प करता है. बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजेस हैं इसके. एंड दिस इज फ्रॉम डर्मा एसेंशिया. ये टेबलेट्स मैंने बहुत पहले ली थी, दिस इज माई थर्ड बॉटल एंड मैं इसको ऑल्टरनेट डेज यूज करती हूँ. इसमें रिकमेंडेड तो है कि आप इसे रोज यूज करें, बट मैं इसको ऑल्टरनेट डेज यूज करती हूँ. एंड दिस टेबलेट इज सच गुड टेबलेट एंड इट इज वर्किंग सच लाइक बहुत अच्छे से काम कर रहा है. जितना मैंने सोचा नहीं था ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है. मुझे एक हफ्ते में इसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले थे, जब मैंने इसका थर्ड बॉटल लिया ना तब अब जाके मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले इसके. सो दीज थिंग्स डू टेक अ टाइम, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत महीनों लेंगी. हाँ मुझे थर्ड वीक में अच्छे खासे इफेक्ट्स देखने को मिल गए हैं इसके. एंड दिस इज प्राइज्ड एट रुपीज आई थिंक 900, पर इस पर अभी कुछ ऑफर चल रहा है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं. डर्मा एसेंशिया की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा. ये मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और इस टाइम के ऊपर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, आई मीन सबके लिए विटामिन सी का जो इंटेक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ कोई सा भी विटामिन सी लो यार, कोई सा भी, बट प्लीज़ प्लीज़ कंज्यूम अ गुड विटामिन सी इन योर डाइट डेली. हाउ कैन वी फॉरगेट फाउंडेशन अगर जहाँ तक लड़कियों के मस्ट हैव्स की बात होती है, बिकॉज एक तो ना गर्मियों की वजह से, किसी भी मौसम की वजह से मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल वगैरह पड़ जाती है समटाइम्स एंड आई डू गेट अ लॉट ऑफ स्कारिंग एज वेल ड्यू टू माई एक्ने. तब फाउंडेशन कितना ज़रूरी है मेरे लिए, ये तो किसी की भी लड़की के लिए फाउंडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप कहीं भी और लाइक स्टेपिंग आउट समवेयर, अभी तो हाँ थोड़ा सा कम हम लोग बाहर जा रहे हैं, पर जब भी जाएंगे फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम इन द शेड 220 नेचुरल बेज. मैं यूजुअली ये मेबेलिन फिटमी वाला यूज करती हूँ. जो भी फाउंडेशन आपकी स्किन को सूट करता है, जो भी आपको प्रॉपर कवरेज देता है, आप वो यूज कर सकते हैं. इसका मीडियम सा कवरेज है वो मेरे लिए काफी होता है एंड दिस इज लाइक माई फेवरेट फाउंडेशन. बट एज अ सेट बहुत जरूरी है फाउंडेशन आपके स्किन, आपके मेकअप रूटीन के अंदर. अगर आप कंसीलर नहीं यूज करते हैं, अगर आप बाकी कुछ भी कॉम्पैक्ट भी यूज करते हैं ना, अ गुड फाउंडेशन विल डू वंडर्स टू योर मेकअप रूटीन. मस्ट हैव्स की जब बात हो ही रही है तो क्या हम कॉटन ड्रेसेस को भूल सकते हैं? आई थिंक नॉट एट ऑल. कॉटन ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट ओनली कॉटन, ये कॉटन और लिनन का ना मिक्सचर है. दिस इज फ्रॉम H&M बेसिक्स. ये मैंने लास्ट ईयर लिया था फॉर अ वेरी वेरी गुड प्राइस, 800-900 रुपए के अंदर मैंने इसको ऑनेस्टली लिया था. एंड दिस इज अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड लिनन. ये ड्रेस पहनने के बाद ना मुझे लगता ही नहीं है मैंने कुछ पहना है, सच में कुछ नहीं लगता. मतलब इतना फ्लोई, इतना एरी, इतना ब्रीदेबल मटेरियल है, इतना सॉफ्ट मटेरियल है बॉडी के ऊपर. लिनन तो पता है, अपन ने कभी देखा हो तो हमारे इंडियन मतलब पुराने जमाने के अंदर लोग लिनन और कॉटन ही पहनते थे, कोई थर्ड क्लॉथ पहनते ही नहीं थे. बाकी जो क्लॉथ्स हैं वो सारे वेस्टर्न कल्चर के हैं क्योंकि लिनन और कॉटन इतने अच्छे रहते हैं. एज़ आई सेड आपकी बॉडी के लिए किसी भी मतलब बहुत इतने सारे बेनिफिट्स हैं ना कि गूगल करना आपको इतने हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स मिल जाएंगे लिनन और कॉटन के आपके स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, कि ऑनेस्टली हमेशा आपको लिनन और कॉटन ड्रेसेस ही पहननी चाहिए. मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम बट विच इज नॉट द लीस्ट आइटम, एंड दीज आर एनी काइंड ऑफ इयररिंग्स और स्पेशली हुप्स. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हुप्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे उसके अंदर, हमारे इयररिंग गेम के अंदर, हमारे एक्सेसरी गेम के अंदर. एंड दिस वन्स अ पैक फ्रॉम जूल्स एंड गैलेक्सी. और जूल्स गैलेक्सी ना के इयररिंग्स, उनके नेकलेसेस, उनके
ब्रेसलेट्स बहुत टाइम से मैं पहनती आई हूँ, बहुत टाइम से, और ये बिल्कुल टार्निश नहीं होते हैं, लाइक मैं बहुत टाइम से पहनती हूँ और बहुत डेली यूजेस पे पहनती हूँ, मुझे टार्निश होते हुए नहीं दिखे हैं अभी तक। तो हाँ, मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छे लगते हैं इस वाले ब्रांड के। अमेजोन पे आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आपको आजियो और मिंत्रा पे भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक अच्छा हूप कलेक्शन होना, लाइक 5-6 भी नहीं तो 2-3 हूप्स होना आपके वार्डरोब के अंदर, इट्स वेरी वेरी मस्ट हैव इन योर वार्डरोब, बहुत अच्छे से काम देता है। और कुछ इयररिंग भी नहीं है तो हूप्स के अंदर इन्वेस्ट कर लो, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। सो दीज वर सम 10 मस्ट हैव्स विच एवरी गर्ल शुड हैव और विच एवरी गर्ल नीड इन हर वार्डरोब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे मैंने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और एक्सेसरीज और ड्रेसेस, आउटफिट सबको कंबाइन करके 10 मस्ट हैव निकालने की कोशिश करी है। और ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ मस्ट हैव्स है, पर दीज आर दी बेसिक वंस जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और जो मुझे लगता है कि सबके वार्डरोब में होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।